आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज की स्टूडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे का कैसे तैयारी करें, कौन से बुक्स करें और कौन से बुक बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें तीन टॉपिक है। सबसे पहले जीएस, ठीक है, और आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो सबसे बेस्ट आपका, अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें परफेक्ट आंसर आपका आएगा, अच्छे नंबरों से आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जीएस का कोई माँ बाप नहीं है, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जीएस को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये टॉपिक उठाइएगा कि आप तैयारी कैसे करें और किस बुक्स से करें। और सबसे अथॉरिटी बात यह है कि आप प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर जो हाल ही में हुआ है, जो पिछले बार हुआ है, उसका प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर उठाइए और वो क्वेश्चन आप एक बार एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार का यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब कैसे पूछा जाएगा वो टॉपिक आप ध्यान में दीजिएगा। रही बात तैयारी कैसे करें, तो तैयारी आपको करना ही है, समय आपको लगेगा ही, लेकिन आपको बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट रणनीति है प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर, साथ ही मॉक टेस्ट। सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी में क्या है, डीपली अगर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी यही आपका बेस्ट साधन है जीएस। और सबसे पहले ये बुक देखिएगा, खान सर का है, रेलवे का। आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर 1992 से लेकर अभी तक 2022 तक जितने भी हुए हैं उसका प्रीवियस वर्ष का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और 27,000 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टर दिया हुए है। सार संग्रह सामान्य अध्ययन है, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन है जीएस का, 40 नंबर का क्वेश्चन। आप एक बार एनालिसिस कीजिएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेस्ट है कि आप एक बुक को सजेस्ट कीजिएगा, जैसे अगर मैं मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ लुसेंट का, तो लुसेंट का विज्ञान है जिसमें आप एक नहीं, एक से दो बार, तीन बार, चार, पाँच बार जरूर पढ़िएगा। मतलब कोई एक बुक उठाइएगा, उसको अच्छे से कवर कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि मैथ्स आप एचडी यादव से भी कर सकते हैं, ठीक है। यह नवीन अंकगणित है, मतलब कोई एक टॉपिक उठाइएगा, एक बुक उठाइएगा, उस बुक को अच्छे से कवर कीजिएगा और उसको कम से कम चार से पांच बार उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका आसानी से होगा। जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको ये ध्यान में रखना होगा बात कि मैथ्स और रीजनिंग अगर आपसे बन गया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि देखिए उसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है आपका, और रीजनिंग भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर दोनों मिलाकर 60 नंबर और 40 नंबर का जीएस है, उसमें आपको जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर पर पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है ना, और भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल वगैरह, करंट अफेयर है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप मैथ्स बना लेते हैं, रीजनिंग बना लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा ही। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप मैथ्स को ध्यान में दीजिएगा, रीजनिंग ध्यान में दीजिएगा, आपका पेपर ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये मेरा अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत सारे एग्जामों को दिया हूँ और मैं भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और जो भी आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, इस कमेंट बॉक्स में हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगा, एक बार ये बुक देख लीजिएगा, 27,000 से अधिक जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक। और मैं वही